नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू दिशा क्लासेस में। दोस्तों आज हम पहले की तरह फिर से एक रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आने के चांस हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग ज़्यादा ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक टोंग्यू डिसीज कुत्तों में होने वाला एक रोग है जिसमें कुत्ते की जीभ काली पड़ जाती है, कुत्तों में यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन B3 के कारण कुत्तों की जीभ काली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्निंग फीट सिंड्रोम पैरों व हाथों में जलन किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन B5 के कारण पैरों व हाथों में जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो क्लोसिस रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन B2 के कारण। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे वो ये वीडियो देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन B3 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किडनी स्टोन किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B6 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन A की कमी से होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन A किस किस में पाया जाता है, इसके स्रोत क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा। किस विटामिन की कमी से लकवा रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से होता है लकवा रोग, विटामिन B7 की कमी से लकवा रोग होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपको पता होगा कि विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपको कमेंट बॉक्स में विटामिन सी के स्रोत बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? तो आपको पता होगा कि रिकेट्स रोग विटामिन D की कमी से होता है बच्चों में। इसका दूसरा नाम भी आपको बताना है जो बड़ों में होता है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, D, यानी कि विटामिन D की कमी से ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स रोग होता है, जो भी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पेचिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन विटामिन B11 और चौथा ऑप्शन विटामिन 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, विटामिन B11 के कारण पेचिस रोग होती है, यानी विटामिन B11 की कमी से पेचिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण पांडु रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन B12, दूसरा विटामिन B2, विटामिन D, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन B12 के कारण पांडु रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन विटामिन K, दूसरा विटामिन B, तीसरा ऑप्शन विटामिन D, चौथा ऑप्शन विटामिन E। तो आपको पता होगा कि विटामिन E के कारण पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी के कारण, तीसरा विटामिन सी के कारण, चौथा ऑप्शन विटामिन ए के कारण। तो आपको पता होगा कि विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डर्मेटाइटिस एक त्वचा संबंधी रोग है, यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? और पहला ऑप्शन विटामिन B2, दूसरा ऑप्शन विटामिन B9, तीसरा ऑप्शन विटामिन B6, चौथा ऑप्शन विटामिन E। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 के कारण त्वचा संबंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन विटामिन B3, दूसरा ऑप्शन विटामिन B9, तीसरा ऑप्शन विटामिन B12, चौथा ऑप्शन विटामिन B7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन B9 के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। आपको इसके स्रोत कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त और दांत हिलने लगते हैं? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी के कारण, तीसरा विटामिन सी, चौथा ऑप्शन विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो पहला ऑप्शन विटामिन के में होता है, दूसरा विटामिन B6, तीसरा ऑप्शन विटामिन B12, चौथा ऑप्शन विटामिन B11। तो आपको पता होगा कि विटामिन B12 के कारण में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका सही आंसर विटामिन B12 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन रतौंधी रोग हो जाता है, दूसरा बेरीबेरी हो जाता है, तीसरा ऑप्शन एनीमिया रोग होता है, चौथा ऑप्शन पेचिस रोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेरीबेरी रोग होता है। और आपको रतौंधी के बारे में बता ही दिया है, अगर विटामिन जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी पाई जाती है उसे रतौंधी रोग होता है, एनीमिया भी बता दिया, पेचिस रोग भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीरोथैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन के। तो आपको बताना है कि जीरोथैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी को अगर गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।